आरक्षण वाली क्या प्रक्रिया चल रही है। तो एसटी आरक्षण अगर राज्यभर को मिल गया तो 4% आरक्षण मिलेगा, 4%, क्योंकि आबादी के अनुपात के हिसाब से मिल रहा है। और अभी सर्वे चल रहा है, लगभग हमको लगता है कि 30-32 जनपदों में सर्वे हो गया है और 75 जनपद में हम सर्वे करा रहे हैं। जैसे ही सर्वे कंप्लीट होगा फिर यहाँ से फाइल दिल्ली जाएगी, दिल्ली में बहस होगी और उसके बाद प्रक्रिया के अनुसार वो भी हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हम सभी लोगों को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, पार्टी का जो निर्देश हो उसका पालन करते रहना है। और हमारे चौहान जी, अर्जुन चौहान जी और जितने भी पदाधिकारी आप बनाएं सबको कार्ड देते रहिएगा। जब सभी लोगों के पास कार्ड हो जाएगा तो एक दिन रसड़ा कार्यालय पर सबको आमंत्रित करेंगे और फिर वहाँ पर एक ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे क्या क्या बातें जो हम जनता को लाभ पहुँचवा सकते हैं वो कैसे। जैसे शादी अनुदान हो गया, गरीब बच्ची की शादी में 20,000 रुपया मिलता था, वो भी बंद हो गया। ये हुआ कि अब सामूहिक शादी होगी, सामूहिक शादी से नुकसान हो रहा है। हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि जैसे पिछली बार जब सदन चल रहा था तो नेताजी ने पूछ दिया उसी विधायकों से कि यहाँ एक भी विधायक खड़ा होकर ये खाली बोल दे जो जनता का वोट लेकर के आए हैं, गरीबों का वोट लेकर के आए हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ किसी विधायक की लड़की की शादी क्या 20,000 रुपये में हो जाएगी क्या? यहाँ आप लोग भी हैं क्या, 20,000 में शादी हो पाएगी आज बच्ची की? सारे विधायक नेताजी पर टूट पड़े कि आप कैसे बोल दिए, नेताजी बोल दिए तो आ गया लिखन पढ़ंत में। तो हम लोग की इच्छा यह है कि जो बच्चियों की शादी में 20,000 रुपया दिया जा रहा था, अब वो 20,000 रुपया नहीं 2,00,000 रुपये की व्यवस्था हो ताकि गरीब बच्ची की शादी हो सके। सामूहिक शादी में जो करोड़ों रुपया दिया जाता है उसी में से 2,00,000 रुपया बच्ची को दिया जाए ताकि वो परिवार अपनी बच्ची की शादी खुशी मन से करके उस बच्ची को दूसरे के घर विदा कर सके। तो इस पे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो गरीब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पे हम बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये काम उसी लिए हो रहा है कि अकेले अगर हम चिल्लाएंगे तो पागल घोषित हो जाएंगे। अगर अकेले हम यही खेत पर, यही सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाने लगे कि हम 20,000 शादी अनुदान नहीं, हम 2,00,000 दिलवाना चाहते हैं, तो हमको लोग पागल घोषित कर देंगे। नगरा थाने की पुलिस आएगी, हमको दोनों हाथ उठाएगी, टांग के लेके चली जाएगी थाने। लेकिन अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं इतने लोग ही चक्का जाम कर देवल जाए, तब ये दरोगा भी जा रही है, SDM आ गई है, ये चिल्ला जा कि 2,00,000 हमके चाहिए। तो संगठन में जो ताकत है उसी काम को ये करने का हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई और कोई नहीं लड़ रहा है नेताजी के अलावा। अगर नेताजी हम सबके लिए लड़ रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए और दे करके मजबूती के साथ कहना चाहिए हम लोगों को। जो नेताजी कहते हैं कि वो सारी सुविधाएं हमको प्राप्त होनी चाहिए जो सरकारी तंत्र के माध्यम से हमारे तक आती है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अगली फिर मीटिंग हम खरवा में करेंगे तो हमारी बात समझ में आ गई ना सबको? दवैया वाला पर ज़्यादा जोर रहे, कहें कि हमके घरे से पैसा ना देवे के हो, सरकारी पैसा बिजली वाला पर हमारी थाना पर है वो तो बड़ा फोन कर।